यहाँ पे आप देखिए, एक डैकिन की पीसीबी है और इसमें जो है डबल रिएक्टर होता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, ज़्यादा नहीं अलग है। क्या अलग है इसको हम विस्तार से समझेंगे। और इसमें देख रहे हैं कि संट जो है पूरी तरह से, और आईपीएम भी पूरी तरह से पूरा जो है एकदम जल चुका है। तो ये ज़्यादातर ये पीसीबी जलती है। और इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो पीएफसी के लिए सेक्शन बना होता है, ये ज़्यादातर ये आईसी भी उड़ जाती है। और ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर और यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो है, ये ज़्यादातर ये भी उड़ जाते हैं। और साथ में जो इसकी आईजीबीटी होती है, ये भी उड़ जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये बोर्ड ज़्यादा लोगों के पास से आएगा और इसके अंदर ये ऐसा होता ही है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ भी देखिए एक बोर्ड है, इसमें का बोर्ड मेरे पास ज़्यादा है। और आप देखिए तो ये आईजीबीटी इस तरह से बहुत मतलब भयंकर तरह से जलती है, साथ में आईपीएम भी बचता नहीं है। तो यहाँ पे वो आईपीएम लग रहा है कि बचा हुआ है। हम दोनों को साथों साथ यानी चेक करेंगे, तो एक कंडीशन ये होगी कि हम पहले इसको निकाल देंगे। अगर ये पीएफसी काम नहीं करेगा ना, तो ये कुछ देर तक पीसीबी चलती है, यानी 10 से 10 मिनट के आसपास, यानी 0 से लेकर के 10 मिनट के बीच में ये बंद हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि जब पीएफसी जनरेट नहीं होगी, उस समय जो कैपेसिटर है यहाँ पे सप्लाई बनती है, ठीक है। और सप्लाई तो बनती है, लेकिन वो 320 वोल्ट ही रहेगी। लेकिन वो 320 वोल्ट जब पीएफसी जनरेट होगी, तो वो 420 440 के आसपास हो जाता है, और उस पे कंप्रेसर चलता है। ये थोड़ी अलग ढंग की बनावट है इसमें। अब इसमें जो है ये तो उड़ जाता है, और ये आईजीबीटी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 टंकी है, जिसमें एक जो होता है एनसी होती है, यानी खाली रहती है, तो उसे कट कर देते हैं। एक्चुअली में ये तो है, देखा जाए तो आईजीबीटी और प्लस डायोड है। प्लस डायोड, प्लस डायोड बोले तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से रहेगा, ये डायोड है। यानी ये आईजीबीटी हो गई, ये गेट हो गए, एमिटर और कलेक्टर। तो तीन आईजीबीटी में पोल रहता ही है, और सी के साथ में ही ये एनोड इसका जुटा रहता है। तो ये हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ड्राइंग किया था कि प्लस सप्लाई यहाँ पे आएगी, ठीक है। प्लस सप्लाई यहाँ पे आएगी, इधर की बात ना देखिए, ये अलग चीज़ के लिए मैंने बनाया है। इसे आप देखिए तो यहाँ पे, यानी अगर इस तरह से देखिए, पीएफसी तो ऐसे ही जनरेट होती है ना। अगर पीएफसी जनरेट करने की बात होगी, तो यहाँ पे एक मैं इस तरह से लगा देता हूँ ऐसे, और इसे हम ग्राउंड कर दिए यहाँ पे, और ये हमारी प्लस सप्लाई आ रही है, ठीक है। ये हमारा इंडक्टर कॉयल है, और यहाँ पे हमारा डायोड है, और यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लग जाता है, ठीक है। ऐसे ही रहता है ना। तो इस वाले पॉइंट को देखिए आप, ये गेट पे जब हम पल्स देते हैं, यानी जब भी हमें ऑन इसको कराना होता है, तो हम एक पल्स देंगे, और ये पल्स मतलब किलो हर्टेज में देंगे। तो जब भी ये ऑन होगी, तो ये निगेटिव इस तरह से इसके अंदर से फ्लो करके यहाँ जाएगा, और कुछ इसे पुश करेगा, यानी इसके अंदर जो है ऐसे सिकुड़न 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 होगी, यानी करंट इसके अंदर ज़्यादा फ्लो होगा, तब तक ये ऑफ हो जाएगी। तो ये
इस रास्ते से होकर के इधर अनिस कैपेसिटर को चार्ज करने लगी। पहले भी चार्ज करेगी, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 320 वोल्ट है तो 320 वोल्ट इसमें से होकर के इस कैपेसिटर पे आएंगे, लेकिन जब बीच बीच में ये ऑन होगी तो ये करंट यानी इसमें जो रिवर्स वोल्टेज बनेंगे वो भी वोल्टेज इस पर जाके प्लस होंगे, तो यहाँ पे 450 वोल्ट के आसपास हो जाता है जब भी पीएफसी जनरेट होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाली आईजीबीटी में यानी ये जो ये आईजीबीटी है, इस आईजीबीटी में बस इतना ही है कि ये ऐसे हो गया है। यहाँ पे ये सब इंटरनल एक में फिट कर दिया गया है, यानी मीटर, गेट, कलेक्टर और कैथोड। तो ये वाली जो है अभी सेम यही चीज समझिए कि यहाँ से इंडक्टर हमने लगा दिया ये, और ये होकर के आ गया यहाँ पे कलेक्टर पे, और यहाँ से होकर के चला गया ये कैपेसिटर पे। ठीक है, ये हो गया कैपेसिटर पे। तो सेम चीज आप देख रहे हैं यहाँ भी, जब तक इस पे कोई पल्स नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सप्लाई है वो ऐसे चलेगी। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड को, इसे हम इसका तो देख रहे हैं कि आईपीएम भी फटा है, तो अभी यहाँ पे जहाँ पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पे अभी उतना बड़ा हमारे पास सोल्डर नहीं है कि जो जिससे मैं इसे निकाल सकूँ। ठीक है, तो आप लोग को मालूम है कि जब भी मैं कुछ करता हूँ तो एक बड़ी समस्या आकर के मुझे रोक ही लेती है, तो वही हो रहा है फिर। चलिए कोई बात नहीं है, तो हम इसे पहले निकालेंगे, निकालने के बाद इसे हम ऑन करेंगे, इस बोर्ड को ऑन करेंगे, इसे हम इसकी पल्स भी देखेंगे, 6 पल्स कैसे चेक होते हैं, यानी इस बोर्ड पे संपूर्ण हम करेंगे, संपूर्ण बोले तो पूरा हम इस पे लगा करके रन कराने के बाद, यानी कंप्रेसर को रन कराने के बाद ही इस बोर्ड को छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें का बोर्ड हमारे पास कई है। ये वीडियो थोड़ी कई पार्ट में हो सकती है, उसके पीछे का कारण ये रहेगा कि अभी आप एसएमडी में देखिए तो ये हमारी पेन को देखिए और ये है ये ट्रांजिस्टर देखिए, तो कितना बारीक है ये। अब इतने छोटे से लेके, यानी इस बार हमें मार्केट जाना है तो यानी जितना छोटा होता है ये और बड़े से बड़े तक सारे के सारे ट्रांजिस्टर यानी मार्केट से हमें लेके आना है। देखते हैं कि कितना हमें मिलता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है इस बोर्ड में, और ना रिपेयर करने का अब तक जो है यही कारण है, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो दूसरे बोर्ड से निकाल कर लगा लेते हैं, लेकिन अभी कितना निकालेंगे, जब में जब यही प्रॉब्लम होगी तो कैसे कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा ना। तो इसके लिए थोड़ा ये एंटीक हो जाता है, मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता है तो एंटीक ही मानेंगे। अब इसमें कुछ मुख्य बातें हैं उसे आप देख लीजिए। यहाँ भी देखिए एक डिवाइडर बना हुआ है, ये डिवाइडर इस कैपेसिटर से रहेगा, यानी इस कैपेसिटर से है, प्लस की तरफ से देखेंगे तो ये प्लस जो है इस कैपेसिटर से आ रही है, नंबर एक ये डिवाइडर होकर के, और ये पहुंच जाएगी एमसीयू के पास। एक नंबर दो, पीएफसी जब भी ऑन होगी तो पीएफसी के लिए देखिए यहाँ से डायरेक्ट दिया गया है, यानी यहाँ से होकर के ये गया इस क्वाइल में, और क्वाइल से होकर के ये आ जाता है इस यानी इस जगह पे, और यहाँ से होकर के फिर यानी आईजीबीटी के इस सेक्शन इस पार्ट पे आता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। तो एक तो पहले होता है ना, देखिए ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं, इसको दिमाग में बैठाना होता है, इस पार्ट को दिमाग के अंदर बैठाना है कि ये 320 है तो ये अभी कहाँ जाएगा, आप अंदाज़ा लगाइए तो कहाँ जाएगा। सबसे पहले ये इंडक्टर में ही जाएगा, इंडक्टर से हो करके ठीक डायोड लग करके फिर कैपेसिटर पे जाना ही जाना है उसे, और जो कंडक्टर और डायोड के बीच में जो पॉइंट बनती है वहाँ पे आईजीबीटी का कलेक्टर जुटेगा ही जुटेगा। तो वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये ऐसे
यहाँ पे दिया हुआ है सी यानी ई जी यानी इमीटर, ये ग्राउंड से ही रहेगा। यहाँ भी देखेंगे तो ये ग्राउंड से है, ठीक है, ये ग्राउंड से है। और इसकी सी यानी सी जो कलेक्टर वाली पॉइंट है, कलेक्टर बोले तो ये हुआ, ये है, ठीक है, एनोड और कलेक्टर, ये हुआ एक कैथोड है। तो यहां से ये सीधे जाएगी अपने डायोड पे, यानी कैथोड पॉइंट ही जाती है ना, ये कैथोड हुआ यहाँ पे देखिए तो ये कैथोड है, ये कैथोड जाएगा सीधे कैपेसिटर, तो ये कैथोड है ये डायरेक्ट जाएगा, और एक कलेक्टर वाली पॉइंट है तो ये वाली पॉइंट है यानी ये वाला यहाँ से होके। इसमें जो रिएक्टर है इसमें एक एक प्लस हो जाता है थोड़ा सा, इसे प्रैक्टिकल में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे इस तरह से एक बाइंडिंग एक्स्ट्रा है, ये ऐसे। अब होगा क्या कि जब इसमें कोई फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी, ऑन ऑफ होगा ये, तो इसके अंदर जो हलचल होगी वही इस तरफ भी आउट होगी, तो ये वाली फिर सप्लाई आगे ले जा करके इसका इस्तेमाल होगा। इससे कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी यानी इस बोर्ड में जो है वो तो है ये है, हम चाहें तो इससे भी, जैसे सीटी हमारा इस्तेमाल होता है ना, सीटी, सीटी में क्या होता है, सीटी में आपने देखा है ना कि सीटी के अंदर है क्या चीज, सीटी के अंदर एसी करंट, ठीक है, सीटी के अंदर एसी करंट इस तरह से आप लगा लिए हैं और इसमें आपने लोड दे दिया, आगे कोई लोड है चल रहा है लोड, तो इसमें यहाँ पे अलग से एक बाइंडिंग ऐसे रहती है, ठीक है, तो जब इसमें लोड बढ़ता है तो एम्पेयर के हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा, और इससे इसी वोल्टेज से आप चाहें तो इसको जितने पे शट डाउन कराना चाहते हैं, बंद कराना चाहते हैं, रिले आगे जो भी सिस्टम बनाना चाहते हैं, आपको मतलब यहाँ पे सेपरेट वोल्टेज मिल जाएगा, एम्पेयर के हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज बनने लगेगा। इस वोल्टेज का जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी देखेंगे तो एक डिवाइडर यहाँ है, दूसरा डिवाइडर यहाँ है, ये दो डिवाइडर तो यहीं पे आपको दिख रहे हैं, तीसरा डिवाइडर एक और है यहाँ पे देखिए तो ये है। अब ये वाला जो है ना, इसमें जो पहले इसको स्टार्ट करने के लिए एक पावर सप्लाई जो हमारी है वो ये है, यहाँ पे कैपेसिटर है, ठीक है, इस कैपेसिटर से भी यहाँ पे इसका लिंक है, यानी इसी कैपेसिटर से इसका संबंध है, ये देखिए ये, और ये भी घूम फिर करके यहीं पे आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ये सप्लाई यहाँ पे आती है, और यहाँ पे कंपरेटर लगी है, तो ये भी डिसाइड करेगा, ये थोड़ी जटिल लगेगी लेकिन इसका ब्लॉक डायग्राम जब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे हमको क्लीन करने के लिए, अभी ये जब तक क्लीन नहीं हो जाएगा ना तब तक हो नहीं पाएगा, वीडियो काफ़ी समय से नहीं आप लोग के पास पहुँच रही है, तो आप लोग भी सोच ही रहे होंगे कि मतलब क्या है, तो कुछ तो एक है कि काम अभी भी काम है, दबा करके काम है, तो आप लोग भी काम कर ही रहे हैं, क्योंकि वीडियो जो डालता हूँ वो वीडियो देखने के अनुसार ही मालूम पड़ जाता है, क्योंकि जितने लोग हैं देखने वाले तो उतना लोग नहीं देख रहे हैं, मैं मेंबर लोग की बात कर रहा हूँ, जो कि कंटिन्यू मैं लिंक भेजता हूँ उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए अभी इसको हम पहले अच्छे से पूरा क्लीन करेंगे, ताकि एक एक नंबर दिखने लगे, जो भी रेजिस्टेंस के नंबर हैं वो शो होने लगे, तब भी हो पाएगा, और एक एक पॉइंट को देखते हुए करेंगे। तो इससे पहले क्लीन करना पड़ेगा पूरे एक बोर्ड को, और तब तक मैं सामान भी मंगा लेता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पावर से ऑन करते हैं।